नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अणु सूत्र निकालेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्बन यौगिक में कार्बन एवं ऑक्सीजन जिसकी लगभग अणु भार 290 है। दोस्तों अणु भार दिया हुआ है, जो भी दिया रहेगा उसको आपको लिख लेना है। दिया है अणु भार कितना है 290, ठीक है ना। आगे देखना, यौगिकों के विश्लेषण से 50% कार्बन है, कार्बन का मात्रा 50%। अब दोस्तों यौगिक में केवल कार्बन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी कितना होगा 50%। क्यों दोस्तों? क्योंकि कोई भी यौगिक हमेशा कितना परसेंट होता है? तो कोई भी यौगिक दोस्तों हमेशा 100% होता है। 100% में से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 50% यदि कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 50% ही होगा। इस प्रकार से आपको ये चीजें प्राप्त हो गई। और दोस्तों क्या है, यौगिक के विश्लेषण से 50% कार्बन इसमें उपस्थित है तो दर्शाता है तो यौगिक का अणु भार क्या होगा, यौगिक का अणु भार क्या होगा, ठीक है। यानी अणु सूत्र निकालना दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, अणु भार बोला है, मतलब अणु सूत्र आपको निकालना है। तो सबसे पहले कार्बन की मात्रा आपको देखनी कितनी कितनी परसेंट है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो चीज हम ले रहे हैं, एक तो कार्बन और दूसरा क्या दोस्तों, ऑक्सीजन, है ना। कार्बन की मात्रा कितनी है दोस्तों? कार्बन की मात्रा है 50%। कितनी है? 50%, ठीक है। कार्बन की मात्रा कितनी है? 50%। और ऑक्सीजन की मात्रा भी कितनी होगी? 50%, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यदि 50% कार्बन है तो ऑक्सीजन भी 50% होगा, क्योंकि कोई भी यौगिक 100% होता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अब क्या करेंगे, 50 में 12 का भाग देंगे, और यहाँ भी 50 है तो 50 में 16 का भाग देंगे। यदि इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, 4.166 आएगा। इसको काटेंगे दोस्तों तो 16 3 48, यानी 3.125 आएगा लगभग लगभग, ठीक है। अब क्या होता है कि साधारण अनुपात कैसे करते हैं, जो छोटा मान होता है उसको दोनों से डिवाइड करते हैं। जैसे छोटा मान है 3.125, ठीक है, तो दोस्तों छोटा मान 4.166 में विभाग देंगे, और छोटे मान में से छोटे मान को भी भाग देंगे, ठीक है। तो लगभग ये दोस्तों आएगा 1.33 और ये लगभग आएगा 1। अब दोस्तों दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है, तो दोनों में 3 का यदि गुणा कर दें तो लगभग ये 4 हो जाएगा, ये 3, है ना। दोस्तों देखिए ना, 1.25 के लगभग है, मतलब 25% ज्यादा है, तो ये 4 भाग कहलाएगा और ये 3 भाग कहलाएगा। कुल मिला के कार्बन की मात्रा कितनी आ गई, तो कार्बन की मात्रा आपके पास आ गई दोस्तों, कार्बन की मात्रा आपके पास 4 और ऑक्सीजन की मात्रा 3। यहाँ पर लोगों को दिक्कत होता है क्योंकि 1.33 है और यहाँ 1 है। अब दोस्तों इसको बराबर कैसे करेंगे, तो मैंने कहा ना दोनों में ऐसा गुणा करो कि ये सम संख्या बन जाए, मतलब 0.5 से हट जाए, तो लगभग यदि 3 का गुणा कर दे तो 4 के बराबर हो जाता है और 3 के बराबर। तो इस तरह से आप भी गुणा कर सकते हैं। अब यदि मूलानुपाती सूत्र की बात करूं, मूलानुपाती सूत्र बताइए कितना होगा, तो कार्बन कितना है, कार्बन 4 और ऑक्सीजन 3। अब यदि मैं आपसे पूछ दूं कि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, क्या दोस्तों, सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो कैसे, एक कार्बन का होता है कितना, एक कार्बन का होता है 12 और यहाँ 4 कार्बन है, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है। टोटल यदि करेंगे तो 12 चौक 48 और 16 3 भी 48 होता है, और 48 और 48 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 96। ये आ गया आपके पास मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अच्छा एक चीज बताइए, आप यदि एन का फार्मूला पढ़े होंगे, एन कैसे निकाला जाता है, एन 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 कैसे निकाला जाता है, तो पढ़े हैं क्या, एन का सूत्र होता है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अणु भार 290 था और 96 से भाग देंगे तो लगभग दोस्तों 3 के बराबर होगा, लगभग आएगा, लगभग दशमलव को आपको नहीं लेना है, दशमलव को आपको नहीं लेना, क्योंकि दशमलव लेने पर आपसे दिक्कत हो जाएगी, है ना, आपका हल नहीं आ पाएगा। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र कैसे निकालते हैं, अणु सूत्र का सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र, कौन सा सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, गुणे एन एन। तो मूलानुपाती सूत्र कितना आपके पास, C4O3 और n कितना है 3। यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 4 3 12, यानी C12 और 3 3 9। ये आ गया दोस्तों अणु सूत्र। देखिए कितना सिंपल सा था, है ना। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था अणु सूत्र के बारे में, तो अणु सूत्र का एक ही वीडियो हो पाता है दोस्तों 4 से 5 मिनट में। तो आप इस वीडियो को भी अच्छे से समझिए, और आपके
क्वेश्चन पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन विधि यही रहेगा, आपके यदि बुक्स में कोई भी क्वेश्चन है उसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को कहना रहता है व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, लेकिन लोग कॉलिंग करने लगते हैं, इसलिए व्हाट्सअप नंबर मैं नहीं देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब नहीं तो पहले पूरा व्हाट्सअप नंबर में दे देता था, लोग कॉलिंग करने लगते क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप कॉलिंग न कर तो मैं व्हाट्सअप नंबर देने मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, नेटवर्क, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।